जरा सोचिए, आप वंदे भारत जैसी प्रीमियम ट्रेन में सफर कर रहे हो, ट्रेन में भूख लगी तो खाना ऑर्डर किया, लेकिन जो खाना आपको सर्व किया गया उसमें कॉकरोच निकल जाए तो क्या होगा। भोपाल जबलपुर वंदे भारत में सफर कर रहे एक यात्री के साथ ऐसा ही हुआ। मामला सामने आने के बाद रेलवे में हड़कंप है, देखिए। वंदे भारत ट्रेन शानदार सफर के लिए जाना जाता है। बात रफ्तार की हो या ट्रेन में मिलने वाली सुविधाओं की, हर चीज के लिए बेहतरीन। लेकिन ट्रेन में यात्रियों को जो खाना परोसा जा रहा है उसके बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। ये तस्वीर देखिए, ये कोई रेसिपी नहीं, वंदे भारत में यात्री को दिए गए इस खाने में कॉकरोच है। जी हाँ, ट्रेन में यात्रियों को खाने के नाम पर कॉकरोच दिया जा रहा है। मामला भोपाल जबलपुर वंदे भारत ट्रेन का है। ट्रेन में एक यात्री ने खाना बुक किया था, लेकिन जो खाने की दो थाली दी गई उसमें कॉकरोच था। नाराज यात्री ने एक्स पर पोस्ट कर पीएम मोदी और रेल मंत्रालय को इसकी जानकारी दी। जबलपुर रेलवे स्टेशन पर रेलवे अधिकारियों से लिखित शिकायत भी की गई, जिसके बाद रेलवे में हड़कंप मच गया और फौरन कार्रवाई भी की गई। रेलवे ने केटरिंग ठेकेदार पर 45,000 का जुर्माना भी लगाया। ये IRCTC द्वारा इसमें खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराए जाते हैं, तो हमने उनको भी संज्ञानित किया है। और इसके अलावा 20,000 रुपये डिवीजन ने अपने माध्यम से इसमें फाइन लगाया है। साथ ही मुझे बाद में मालूम पड़ा तो 25,000 रुपये IRCTC द्वारा भी उस बैंडर पर फाइन लगाया गया है। तो हम निरंतर इस प्रयास में रहते हैं कि हमेशा अच्छा खाद्य पदार्थ मिले यात्रियों को और कोई असुविधा का सामना न करना पड़े। ट्रेन में खाने की गुणवत्ता को लेकर आए दिन शिकायतें सामने आती हैं, लेकिन वंदे भारत जैसी प्रीमियम ट्रेन के खाने में कॉकरोच मिलना कई सवाल खड़े कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।